और मेरे भाई, क्या चल, कैसे हो सर? तो भाई, आज वाला वीडियो ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उस दिन पहले भाई पबजी न्यू स्टेट का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और भाई, ट्रेलर देख के तो एकदम ही बहुत ही जबरदस्त गेम लगा। और भाई, आप लोगों को जैसे पता ही है कि बीजीएमआई के अंदर ऐसे हालत हो चुका है कि सारे के सारे बीजीएमआई प्लेयर तो पबजी न्यू स्टेट खेलने के लिए तैयार ही बैठा है। मतलब जब भी आएगा पबजी न्यू स्टेट में चला जाएगा बीजीएमआई को छोड़ के, क्योंकि इस गेम में कुछ नहीं रखा और बोलने का भी कुछ नहीं है इस गेम के बारे में। फिलहाल मैं आप लोगों को आज इतना सब बताऊंगा ना कि देखो, ट्रेलर में तो हर कुछ ही बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कहीं पर भी भाई कॉन्कर के बारे में नहीं दिखाया, ना ही टीआर के बारे में दिखाया, ना ही सोलो डुओ एपीपी इन सब के बारे में दिखाया। देखो, एपीपी के बारे में दिखाया, लेकिन कॉन्कर का फ्रेम कैसा होने वाला है, क्या क्या सीन चलने वाला है, इन सब के बारे में कुछ नहीं दिखाया पबजी न्यू स्टेट वालों ने अपने ट्रेलर के अंदर। तो मैं जो है आज अपने अंदर जैसे मतलब किस तरीके का टीआर वीआर होने वाला है और कैसा कैसा सीन चलने वाला है मेरे अंदर जैसे मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करूंगा। वीडियो को इन तक तो जरूर देखना, क्योंकि भाई ये जो गेम प्ले बैकग्राउंड में चल रहा है ना, ये भी आज ही खेला और भाई क्या ही धांसू वाला गेम प्ले निकला। मतलब भाई 21 किल कर लेता हूं, वो भी सोलो के अंदर रैंक पुशिंग लॉबी में। मतलब भाई मजाक से हट के बहुत ही ज्यादा किल कर लिया था इस गेम के अंदर। तो भाई गेम प्ले का भी मजा लो, और उसी के साथ अगर चैनल में न्यू है ना भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि भाई देखो अपना जो है 1K की बहुत ही ज्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई उसी के साथ भाई लाइक कर देना वीडियो को, और भाई लाइक करते करते कमेंट भी कर देना कि भाई देखो आप लोग पबजी न्यू स्टेट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा हूं। क्योंकि भाई आप लोगों को कि बीजीएमआई के अंदर भाई ना ही भाई एक लेजिट बंदा भाई अपना रैंक पुश कर सकते हैं, ना ही भाई अपना नॉर्मल गेम खेल सकते हैं। मतलब इतना घटिया गेम बना दिया उस गेम को भाई हैकर ने। फिलहाल भाई आज बात करने वाला हूं भाई पबजी न्यू स्टेट के बारे में। आप लोगों ने अगर थंबनेल देखा होगा तो भाई थंबनेल के अंदर मैं जो है भाई मेरे अंदर जैसे बता रहा हूं कि भाई देखो कुछ कुछ इस तरीके का भाई कौन का टीयर हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई देखो फ्रेम कैसा लग रहा है भाई पबजी न्यू स्टेट के हिसाब से, क्योंकि देखो पबजी न्यू स्टेट जो है फ्यूचर में बेस्ट है, और भाई फ्यूचर के हिसाब से भाई फ्रेम मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। और भाई आप लोग भी बताना कि भाई आप लोग किस तरीके का सोच रहे हो कॉन्करर फ्रेम, क्योंकि देखो कॉन्करर फ्रेम भाई मजाक से हट के बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब C1 S1 चालू हुआ था एकदम घटिया सा कॉन्करर फ्रेम दे दिया था, और किसी भी बंदे को भाई वो पसंद नहीं हुआ था। इस वजह से वापस से भाई कॉन्करर फ्रेम चेंज करना पड़ा भाई बीजीएमआई वालों को और पबजी वालों को दोनों को ही, नहीं तो भाई भाई वो फ्रेम देख के ही कोई पुश नहीं करने वाला था। ऊपर से तो भाई हैकर तो है ही ऊपर से उतना ज्यादा। तो मतलब आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता देना कि भाई आप लोगों को फ्रेम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कर देना, आ रहा है तो वो भी कमेंट कर देना। फिलहाल भाई अगर बात करूँ तो भाई रैंक पुश किस तरीके से होना चाहिए, मतलब होगा, तो भाई अगर रैंक पुश की बात करूँ तो भाई देखो जैसे बीजीएमआई पबजी के अंदर है सोलो डुओ स्क्वाड एपीपी टीपीपी दोनों में मतलब 6 ऑप्शन आता है अपने को कॉन्कर लगाने का, और उसमें भी सेम ही होने वाला है, कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है। बात होता है कि भाई देखो उन लोगों ने ज़्यादा कुछ लीक शेयर नहीं किया, बस अपने ट्रेलर में हल्का हल्का सी चीज़ दिखाया, बाकी कुछ डिटेल्स इतना ज़्यादा तो नहीं दिया। ऊपर ऊपर से भाई वो एक सिनेमेटिक फिल्म की तरह बना के दिया, मतलब अपने को भाई अपना ट्रेलर बना के, मतलब उतना कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखाया, लेकिन भाई कुछ दिनों में सारे चीज़ भाई एक्सप्लोर कर देगा। आप लोगों को भी पता है गेम जब आ रहा है तो भाई सब कुछ ही एक्सप्लोर होगा। ऊपर से भाई दो दिन के लिए वीजा भी आ सकता है मेरे ख्याल से, आगे मुझे पता नहीं, मतलब आ सकता है मेरे ख्याल से। तो भाई मतलब फुल एक्साइटेड के साथ मतलब इंतजार करना स्टार्ट कर दो 11 तारीख का, और उसके बाद तो मतलब फुल बुम बम हो जाएगा, सारे बंदे बीजीएमआई छोड़ के भाई मतलब पबजी न्यू स्टेट के अंदर आ जाएगा, और एकदम तबाही की तरह मतलब भाई रैंक पुश चालू कर देंगे। और भाई सीजन 1 मतलब सीजन 1 का फ्रेम सब बंदे को चाहिए। आप लोगों को भी पता है कि अभी के हिसाब से हम लोग पबजी के अंदर का सीजन 1 का फ्रेम लेने के लिए मतलब भाई कितना एक्साइटेड थे। मतलब भाई उस टाइम अगर हम लोगों को पता होता कि ये गेम इतना बढ़िया चलेगा आगे जाके, तो भाई हर बंदा भाई उस टाइम पे भाई सीजन 1 का भाई फ्रेम ले लेता। आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई अगर आप लोगों को मौका मिले कि पबजी के अंदर भाई सीजन 1 का फ्रेम लेने का, तो भाई आप लोग पुश करोगे कि नहीं करोगे। इस टाइम पे वो पॉसिबल तो नहीं है फिलहाल, फिर भी भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो भाई अभी सब कुछ मिला जुला के ऐसा लग रहा है कि देखो पबजी न्यू स्टेट का जो फ्रेम होने वाला है कॉन्कर का, वो बहुत ही धांसू होने वाला है। तो भाई इसीलिए भाई फुल एक्साइटेड तो हूँ मैं, जैसे ही आएगा भाई रैंक पुश करना चालू कर दूंगा। उससे पहले भाई आप लोग अगर चैनल में न्यू है ना भाई, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा ग्रो करवाने के भाई मुझे हेल्प कर दो, मतलब भाई थोड़ा ग्रो हो जाए। मतलब भाई क्या बोलूँ, मतलब मेहनत तो करता ही जाता हूँ और करता रहूँगा, तो भाई इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, थोड़ा बहुत ग्रो करवाने में भाई मदद कर दो। और आप लोगों से नहीं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा, मतलब भाई आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोगों को ही बोलूँगा। तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आज वाले गेम प्ले की बात करूँ तो भाई देखो इधर मेरा 16 किल हो चुका है, और भाई ये जो है सोलो कॉन्कर पुशिंग, मतलब सोलो कॉन्कर पुश कर रहा हूँ। मेरा टीआर थोड़ा लो है और इस लॉबी में थोड़ा ज़्यादा बॉट आ जाता है, मतलब भाई मैं जो है 4-5 बॉट मार देता हूँ, इस वजह से मेरा किल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और भाई अभी लॉबी थोड़ा बहुत मतलब वीक आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कमज़ोर आ रहा है, इस वजह से मेरा किल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नहीं तो भाई देखो हैकर नहीं है, मेन बात यही है, किल तो आप लोगों को मिल ही जाएगा अगर पबजी के अंदर आप लोग भाई रैंक पुश करना स्टार्ट कर चुके हो तो।
फिलहाल भाई अभी सीन ऐसा होता है कि मैं जो इधर आके भाई होल्ड करता हूँ, इधर सामने दो बंदा दिखता है, इन दोनों को तो मैं मारता हूँ, और मारते ही भाई थर्ड बंदा स्पॉट होता है, तो मैं अपना गाड़ी उठा के सीधा उधर पुश कर देता हूँ, और उधर पुश करने के बाद देखना भाई बाहर जब जाता हूँ तो भाई वो निकलता है एक बॉट, और बॉट को मारते ही मैं जब स्क्वाड हाउस की तरफ आता हूँ तो भाई उधर कुछ सीन हो जाता है, उधर रहता है एक बंदा, तो भाई देखते जाओ इधर क्या सीन होता है। तो भाई इधर आता हूँ तो इधर मिल जाता है मुझे एक बॉट, उसको भाई AWM किक करके पैन से मार देता हूँ। लास्ट वाले बंदे को भी भाई मैं जो है पैन फाइट करता हूँ लास्ट बंदे के साथ, और भाई वो देख के आप लोग जरूर एक्साइटेड हो जाएंगे कि मतलब भाई लास्ट बंदे के साथ मैं पैन फाइट कर रहा हूँ, वो भी चिकन को रिस्क पे लगा के, तो भाई आप लोग देखना वो लास्ट वाले फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लास्ट बंदे के साथ मैं पैन फाइट करता हूँ, वो भी भाई चिकन मेरे एकदम हाथ में होता है, फिर भी मैं जो है पैन फाइट के लिए जाता हूँ। अब इधर आता हूँ, इधर ऊपर बंदा होता है, इस बंदे को मार देता हूँ, और इधर इस बंदे को मारते ही मेरे सामने एक और बंदा आता है जो कि था एक बॉट। अब इस बॉट को मार के मैं जो सामने की तरफ जाता हूँ तो मुझे एक और मिल जाता है बंदा, वो बंदा भाई उधर से आ रहा था जो उनके बाहर से आके मेरे एकदम बगल में आके भाई कर रहा था हिल बैटल, और मैं सोचा था कि भाई ये बंदा भी होगा बॉट, तो भाई मैं इसलिए मस्ती में इस बंदे के सामने करता हूँ पिक, और ये बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके गन जो है पीछे की साइड रहता है, इस वजह से इस बंदे को तो बहुत आराम से मैं मार देता हूँ। अभी बचा रहता है लास्ट बंदा, और भाई इसके साथ जो फाइट होने वाला है ना भाई नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, मतलब भाई आप लोग खुद ही देखो। इधर मैं भाई हील कर रहा था, बूस्ट कर रहा था, बूस्ट करके मैं जैसे ही इधर आता हूँ मुझे बंदे का फुस्ट आता है ऊपर से, और ऊपर से जैसे ही फुस्ट आता है मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, लेकिन बंदा जो है नीचे की तरफ कूद जाता है, और जैसे ही कूदता है मैं उसको M4 से कुछ ज्यादा डैमेज दे देता हूं, मतलब भाई इधर बंदा हल्का सा डैमेज होता है, और इधर मेरा दिमाग चलता है कि भाई इसके साथ मैं करूंगा पैन फाइट, और देखो इधर कौन जीतता है। मतलब भाई इधर अगर बंदे के हाथ में M4 या बैरल होता तो बंदा शायद मुझे मार देता, क्योंकि भाई उसमें जो है 40 गोली रिलोड होता है, इधर भाई बंदे के हाथ में था उजी, और उजी में सिर्फ और सिर्फ 25 गोली रिलोड होता है, इस वजह से भाई इस बंदे को तो मैं पैन फाइट करके इजी तरीके से मार देता हूँ। फिलहाल आज वाले गेम पे तो इतना ही, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आज के जो मैं अपडेट दिया जो न्यू स्टेट का भाई फ्रेम दिखाया वो कैसा है, अगर भाई अच्छे लगे तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और लाइक करके भाई सब्सक्राइब करके भाई ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग जो 1K के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, तो 1K जल्दी से जल्दी टच करना है अपने को, तो भाई जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस, बाय गाइस।